भाई पूरा स्पाइडर का एरिया ही है। बस यार आराम से मैं आगे आगे चलता रहना और भाई सीधे पहुंच जाएंगे हम स्पाइडर के एरिया में। भाई हल्के से हिलेंगे जैसे ही गिर जाएंगे भाई नीचे। तो गाइस यार आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी, और भाई इसमें मैं आपको टॉप 5 ऐसे जगह बताने वाला हूँ भाई जिससे कि आप स्पाइडर के पास जा सकते हो विदाउट भाई स्पाइडर की यूज़ किए। और भाई वो कैसे जाओगे वो तो आपको वीडियो में देखना ही पड़ेगा। बट यार और ऐसी ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे कि भाई वहाँ पे हम जा सकते हैं बट ग्रैनी नहीं आ सकती। तो भाई ये गेम है कुछ डार्क सीक्रेट खोलने वाला है ग्रैनी के। सबसे पहले यार मुझे यहाँ पे नीचे आना है और इसके साइड बस ऊपर सा हल्का सा ऊपर होना और भाई सीधे मैं पहुँच जाऊँगा स्पाइडर के रूम में, मतलब स्पाइडर वाले एरिया में हम आ चुके हैं। और भाई हमने कोई स्पाइडर की भी यूज़ नहीं किया, आपने देख लिया होगा। अब भाई ये वाला ग्लिच यार कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और भाई इससे हमारी एक हेल्प हो सकती है भाई, आराम से यहाँ पे सेवर स्केप कर सकते हैं हम। और भाई चलते हैं अब दूसरा ग्लिच की ओर। तो भाई ये वाला ग्लिच यार बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस आपको यहाँ डायरेक्ट नीचे आना है, बस इसको हटाना है और भाई यहाँ पे भी थोड़ा सा अप करना है। तो भाई यहाँ हम पहुँच सके हैं भाई जहाँ से हमारी एंट्री होती है स्पाइडर के घर में। भाई ये वाला ग्लिच सबसे मस्त लगा, सामने सामने देख लिया भाई स्पाइडर किया है बट उसने मुझे देख नहीं पाया। भाई ये सारे ग्लिच एकदम रैंडम ही होते हैं और भाई बहुत ही भाई एकदम अचानक से हो जाते हैं। और भाई अब चलते भाई ये वाला जो भाई लिफ्ट वाला नीचे, भाई ये तो मुझे अभी पता चला है। सबसे पहले ऊपर चलते हैं और भाई लिफ्ट से बाहर निकलता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है यहाँ पे। तो भाई जैसे ही बाहर आओगे भाई यहाँ पर इस वाले गेट को बंद करना है और डायरेक्ट स्विच को जल्दी से ऑन कर देना है। भाई जैसे इन दोनों को ऑन करोगे के साथ भाई लिफ्ट अपने आप नीचे चली गई और भाई इसके ऊपर मैं रह गया। बट यार यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ यार, अब यार यहाँ से निकलने के लिए मुझे यहाँ पे मरना पड़ेगा। और भाई मैं आई थिंक इसके अंदर भी फंस गया हूँ यार यहाँ से बाहर निकलने के लिए। एक मिनट यहाँ से कुछ ये ग्लिच भी सही था। अब भाई हम यहाँ पे ग्लिच करने वाले स्पाइडर के साथ, जो भाई सबसे ऊपर मकड़ी है भाई उसके साथ ग्लिच करेंगे भाई, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। भाई आपने देखा होगा यहाँ पे हमें यार या कोई मीट हो या फिर कोई गन की ज़रूरत पड़ती है, बट यार बिना गन के ही मैं स्पाइडर को रोकने वाला हूँ। अभी आप देखना भाई ये देखो भाई, जैसे ही मैं अपडाउन हुआ वहाँ पर मकड़ी आराम से रुक गई है और भाई इसको दिखना बंद हो गया मेरे ख्याल से। और भाई आराम से कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से जाके सामान भी ले सकता हूँ आराम से। भाई यहाँ पर रेंज पड़ी है सो मैंने उठा लिया है, अब इसके घर में भी आएंगे भाई कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते यार यहाँ से इसके रेंज इसके मुंह पे फेंक कर चलता हूँ मैं, बाय बाय। आप चलते इसको दूसरा ग्लिच दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये वाला ग्लिच यार कुछ ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि भाई अब मैंने यहाँ पे ग्रैनी का टैडी उठा लिया और ग्रैनी मेरे पीछे लग गई है और भाई इसमें ग्रैनी को पूरा ग्लिच कर दूंगा अभी और भाई इस ट्रैप से फ्रेज भी कर दूंगा। भाई आपने देख लियो ग्रैनी आ चुकी है तो यहाँ पर मैंने ट्रैप भी फेंक दिया है। भाई टैडी को मैंने उठा लिया, बस ग्रैनी जैसे भाई यहाँ पे फ्रेज हो रही है इसको इसके अंदर डाल दिया और भाई सामने से भाई देख लो ग्रैनी गायब हो चुकी है। भाई ग्रैनी यहाँ पे गई कहाँ अभी तो यार मुझे खुद नहीं पता, मुझे घर में ढूंढना पड़ेगा कहीं कहीं है यार ग्रैनी। भाई ग्रैनी की बेटी आ गई है, तो एक मिनट मुझे याद है भाई ग्रैनी कहाँ गई होगी। तो चलते नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ भाई ग्रैनी कहाँ गई है अभी। भाई ये सही था भाई एकदम, तो भाई सबसे नीचे जाना पड़ेगा मेरे को। भाई आप जैसे नीचे आओगे भाई आपको ग्रैनी यार यहाँ पे खड़ी हुई दिखेगी और भाई ये भी यहाँ पे स्टॉप हो गए भाई, यहाँ पे ये हमें कभी कुछ भी नहीं कर सकती, इसके साथ आप कुछ भी कर लो भाई ये हमें नहीं मारेगी। भाई ये वाला भी सही था, मैं आपको आवाज़ भी करके दिखाता हूँ भाई अभी। भाई देख रहे हो मैं आवाज़ भी कर रहा हूँ तब भी से कुछ पता ही नहीं चल रहा। भाई ये वाला भी सही था यार, और मैं आपको ये छोटा सा यार एक चीज़ दिखाता हूँ हिंट भाई, अगर आपको ये वाला पता था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार। आपने यहाँ पे ये कैमरा सा देखा होगा, अगर इसको इसमें हैमर मार दोगे तो भाई ये वाला दरवाज़ा बंद नहीं होगा, आप यहाँ से भाई चैन कटर लेके इसको काट के आराम से रिंच ले जा सकते हो। तो भाई ये वाला आइडिया किस किस को पता था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई आप चलते हैं यार अगले ग्लिच की ओर। भाई ये वाला ग्लिच तो कुछ ज़्यादा सही होने वाला क्योंकि भाई बिना स्केप के भाई मैं घर के बाहर निकलने वाला हूँ और भाई ये वाला टेबल आपने कभी यूज़ ही नहीं किया होगा। भाई यहाँ पे भी एक ग्लिच है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस टेबल के अंदर जाओगे ना भाई बस यहाँ पे हल्का सा आपकी ओर जाना है और भाई डायरेक्ट आप भाई सीधे घर के बाहर आ सकते हो। भाई यहाँ से आपने कार स्केप करते हुए देखा होगा हमें,
और भाई सीधे ही मैं घर से बाहर आ चुका हूँ। भाई ये वाला भी ग्लिच सही था। और भाई जैसे ही यहाँ हल्का सा करोगे तो भाई यहाँ पर पूरा सेवर स्केप वाला एरिया दिखेगा आपको, स्पाइडर का एरिया। भाई ये भी एकदम मस्त था भाई, देख रहे पूरा ये स्पाइडर का एरिया। और भाई ये वाला पूरा कार स्केप करने वाला है। भाई ये वाला ग्लिच यार मेरा सबसे बड़ा ज़्यादा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ से हम सारे सामान आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं भाई स्पाइडर के घर में। बस यार यहाँ से मैं आराम से बाहर आ चुका हूँ पूरे घर के। भाई यहाँ से सीधे जाते रहना है, भाई हिलना नहीं है, जैसे ही हिलोगे भाई नीचे चले जाओगे। और भाई बस थोड़ा सा और आगे जाना है हमें। भाई जैसे ही मैं आगे गया और आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पे पूरा स्पाइडर का एरिया दिखना हमें दिखना स्टार्ट हो चुका है। भाई ये देखो सामने आप देख पा रहे हो भाई पूरा स्पाइडर का एरिया ही है। बस यार आराम से हमें आगे आगे चलते रहना और भाई सीधे पहुँच जाएंगे हमें स्पाइडर के एरिया में। भाई हल्के से हिलेंगे जैसे ही गिर जाएंगे भाई नीचे। तो भाई फाइनली यार मैं पहुंच चुका हूँ स्पाइडर के एरिया में। भाई ये वाला बिल्कुल सही था। और भाई सामने से आपने देख लिया कोई स्पाइडर किया है। भाई स्पाइडर से बचना पड़ेगा नहीं तो मार देगा हमें। भाई ये वाला के लिए कुछ ज़्यादा यूज़फुल होने वाला, क्योंकि भाई सारे सामान आराम से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, भाई स्पाइडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई ये वाला जो ग्लिच है यार ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक टेबल भाई आपने देखा होगा भाई यहाँ पे कोई एक टेबल पड़ी होती है, ये वाला टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये वाली टेबल आपने देखा होगा भाई पड़ी होती है, भाई इसके पीछे क्या है भाई वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। बस भाई यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से देख लो और इसके पीछे आओगे ना भाई बस यहाँ से देख लेना अभी। तो भाई यहाँ से पूरा आपको ग्रेनी का पूरा भाई घर दिखेगा और सामने ग्रेनी भाई कितनी ग्लिच हो रही है आप देख रहे हो। और भाई ग्रेनी की आँख देख रहे हो ब्लैक हो चुकी है। भाई यहाँ से पूरा ग्रेनी का घर दिख रहा है भाई, नीचे तक दिख रहा है भाई। भाई नीचे पूरा स्पाइडर का एरिया और ऊपर भाई पूरा ग्रेनी का एरिया दिख रहा है। वो भाई ये भी सही था एकदम। भाई ये वाला ग्लिच मुझे लगता नहीं किसी को पता होगा। अब चलते हैं भाई दूसरे वाले ग्लिच में। तो भाई ये ग्लिच सही है भाई, ये ग्लिच एकदम रैंडम ही हुआ था भाई। अगर यहाँ पे भाई ये चिकन का पीस देख रहे होगे भाई, यहाँ पे अगर आप छुप जाओगे भाई ग्रेनी हमें बिल्कुल भी देख नहीं पाएगी। एक मिनट भाई, जैसी ग्रेनी आई देख रहे हो मुझे देख भी नहीं पा रही है यार। इसके पीछे मैं छुप रखा हूँ आराम से, पर भाई ग्रेनी मुझे देख ही नहीं पा रही है। एक मिनट मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ भाई। जैसे मैंने यहाँ पे आवाज़ करी ग्रेनी तुरंत आएगी। और भाई देख रहे हो भाई बिल्कुल भी देख नहीं पा रही यार ये हमें। भाई ये सही था यार, सही था भाई। सारे ग्लिच एकदम मस्त हैं यार यहाँ पे। ये सारे ग्लिच किस किस को पता था कमेंट में जरूर बताना। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं ग्रेनी के दूसरी वीडियो में।